देखिए ये कांच का स्लेब है और जब प्रकाश किरणें जिस माध्यम से प्रवेश करती है अगर उसी माध्यम में निकल जाती है तो यह आपतित किरण के समानांतर अपवर्तित किरणें हो जाती है। ये कांच के स्लेब में देखिए पहला दीवार सघन माध्यम, फिर हवा मिलेगा विरल माध्यम, फिर कांच मिलेगा सघन माध्यम, फिर हवा मिलेगा विरल माध्यम। अगर प्रकाश के किरण को यहाँ से हम भेजेंगे तो जो किरणें स्लेब से निर्गत होगी वह पहली किरण के समानांतर हो जाएगी, यानी आपतित किरण के समानांतर हो जाएगी। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए मैंने लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट किया, ये जो किरणें निकल रही है वह किरणें शुरू वाले इस किरण से पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब है कि विरल माध्यम से प्रवेश कर रही है और विरल माध्यम में निकल रही है तो यह किरणें आपतित किरण के पैरेलल हो जाती है। फिर इधर से भी देखिए हम, इधर से भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये चौथा माध्यम पुनः एयर होता है, एयर से प्रवेश कर रहा है और चौथा माध्यम एयर होता है। तो मैंने ऐसे तिरछा किया तो इस किरण के यह पैरेलल हो जाती है, बीच में भले ही डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने मार्ग से लेकिन जब इस दीवार से निकलती है तो पुनः पहली किरण के पैरेलल हो जाती है। तो रियर रेजिडेंस इसको हम कहते हैं ग्लास के स्लेब में लाइट का रिफ्लेक्शन, कांच के स्लेब से लाइट का अपवर्तन। दिख रहे हैं ना, यहाँ लाइट दिए, दो मीडियम तीन मीडियम से पार करके चौथा मीडियम जब निकल रहा है तो यह किरण इसके पैरेलल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर, सब्सक्राइब्स और अपने क्लासमेट को भी भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।